हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ इंडियन रसोई। आज हम पोहा क्रॉकेट्स बनाएंगे। ये एक पार्टी स्टार्टर है और बहुत इजीली बन जाता है और आप इन्हें बच्चों को स्नैक के रूप में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट से पोहा क्रॉकेट्स बनाना। सबसे पहले पोहे को भिगोएंगे, तो मैंने आधा कप पोहा लिया है। इसमें पानी डालेंगे और इसे एक मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। एक मिनट के बाद इसे छन्नी में छान लेंगे और ऐसे ही छोड़ देना है। अब एक अलग बोल में एक कप कसा हुआ और उबला हुआ आलू डालेंगे। ये लगभग 2 मीडियम साइज के आलू है। नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ऑरिगेनो, आप चाहे तो मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, और हमने जो पोहा छान के रखा था वो डालेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहे और आलू को अच्छे से मैश कर देना है और बाहर की लेयर का मिश्रण तैयार है। अब हल्का सा तेल वाला हाथ कर लेंगे और थोड़ा सा मिश्रण लेंगे लगभग नींबू के साइज का, और इसे थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। बीच में 1/8 छोटी चम्मच जितना मेयोनीज डालेंगे। और एक छोटा सा क्यूब चीज का डालेंगे, ये मोज़रेला चीज है। और सब तरफ से पकड़ते हुए इसे बंद करके वापस से एक बॉल का आकार दे देंगे। आप चाहे तो इसमें से लंब चौरस आकार के भी क्रॉकेट्स बना सकते हैं, गोल बनाना जरूरी नहीं है। सभी पोहा क्रॉकेट्स इसी तरह से शेप करके तैयार कर लेंगे। इतने मिश्रण में से लगभग 12 से 13 क्रॉकेट्स नींबू के साइज के तैयार होंगे। अब हम एक मैदे की स्लरी बनाएंगे डिप करने के लिए। तो मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। इसमें 1/2 कप से 3/4 कप पानी डालकर इसकी पतली स्लरी तैयार कर लेंगे। नमक डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्ची डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पोहा क्रॉकेट्स तैयार करे हैं, इसे हम मैदे की स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे फ्रेश ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने 5 से 6 ब्रेड की स्लाइसेस को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया है। सभी पोहा बॉल्स को इसी तरह से स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। अब बाहर का लेयर और क्रिस्पी बनाने के लिए हम वापस से इन कोटेड बॉल्स को स्लरी में डिप करके दूसरी बार ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन ये करने से जो पोहा क्रॉकेट्स है एकदम क्रंची और अंदर से मेल्ट इन माउथ बनेंगे। अब इन पोहा क्रॉकेट्स को हम फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रेस्ट टाइम देंगे। आप चाहे तो इसे 1 या 2 दिन पहले बना के एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और फ्रीजर में ये पोहा क्रॉकेट्स इजीली 7 से 8 दिन तक रहेंगे। अब पोहा क्रॉकेट्स तलने के लिए हम तेल गरम करेंगे और फिर आंच धीमी करके पहले एक ही पोहा क्रॉकेट डालेंगे। अगर ये नहीं टूट रहा है तो हम बाकी के क्रॉकेट्स भी इसमें डालेंगे। अगर ये फैल रहा है, तेल में टूट रहा है, तो इसे ब्रेड क्रम्स में एक बार कोट करके इसे फ्रीजर में 1/2 घंटा और रख दीजिए और फिर फ्राई कीजिए। अब हम बाकी के पोहा क्रॉकेट्स भी बैचेस में तलेंगे। आंच धीमी से मीडियम ही रखनी है ताकि चीज अंदर से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए।
पोहा क्रोकेट्स जब अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तो इसे तेल में से निकाल के एक पेपर नैपकिन पे ले लेंगे। और बाकी के पोहा क्रोकेट्स भी इसी तरह से तल के तैयार कर लेंगे। तो तैयार है एक इजी पार्टी स्टार्टर रेसिपी पोहा क्रोकेट्स। आप इसे मेयोनीज या फिर केचप के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।